हेलो 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 एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एट अनुष्का बायोलॉजी थ्री सिक्सटी सो आई वेलकम यू ऑल ठीक है तो आज हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं हमारा इसी चैप्टर का तो शुरू करते हैं बिना बकवास करें सो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हमारा अगला टॉपिक है भाई पोलन पिस्टल इंटरेक्शन ठीक है देखो सो पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन कंपेटेबल पोलन ऑफ द सेम स्पीशीज एज द स्टिग्मा देखो पॉलिनेशन से ना पोलन ग्रीन ट्रांसफ़र तो होते हैं बट पॉलिनेशन करते टाइम जो इंसेक्ट है या फिर विंड है वाटर को उनको ये नहीं पता होता कि जो स्टिग्मा के लिए जो कंपैटिबल पोलन ग्रीन है हम लोग वही कैरी कर रहे हैं या फिर नहीं ठीक है ये जो जिम्मा होता है ये होता है प्लांट का खुद का प्लांट खुद आइडेंटिफाई करता है कि वो पोलन मेरे हिसाब का है भी कि नहीं है ठीक है तो पॉलिनेशन से आ, ट्रांसफ़र तो होता है पोल ग्रेन का बट सही टाइप का ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहा है कंपैटिबल वाला हो रहा है तो उस चीज़ की गारंटी भाई नहीं होती ठीक है ऑफन पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप पोलन अगर गलत टाइप का भी है किसी भी चाहे दूसरी स्पीशीज का हो और चाहे सेम प्लांट का हो अगर जैसे कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी हमने देखा था सेल्फ पॉलिनेशन को बचाने के लिए तो सेल्फ़ इनकॉम्पैटिबल करने के लिए भी अगर उसी प्लांट का पोल ग्रेन है तो वो ट्रांसफ़र तो होगा बट चाहे वो गलत टाइप का हो चाहे वो सही टाइप का पॉलीनेशन में ये दिमाग नहीं लगाना होता कि भाई हम सही टाइप का लेके जाते हैं या गलत टाइप का ले के जा रहे हैं उसमें बस पॉलीनेशन का ट्रांसफ़र करवाना होता है बाद में स्टिग्मा खुद ये चीज़ देखता है बाद में जो दूसरा प्लांट है वो खुद ये चेक करता है कि ये पॉलनग्रेन मेरे लिए कंपैटिबल है भी कि नहीं है ठीक है जो गलत टाइप के पोलनग्रेन होते हैं गलत टाइप इन द सेंस क्या पता है दूसरे स्पीसीज़ का आ जाए है ना या फिर सेल्फ पॉलीनेशन को हम लोगों को रोकना है ठीक है तो क्या पता उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर से वो पोलन ग्रेन आ जाए तो इस तरीके का पोल ग्रेन जो होता है वो भी आ सकता है स्टिग्मा के ऊपर वो भी लैंड कर सकता है अब ये एबिलिटी होती है पिस्टिल के पास तो द पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकोगनाइज़ द पोलन तो बेटा ये जो पिस्टल होता है ना इसके पास ख़ुद का दिमाग होता है कि कौन सा पोलन ग्रेन मुझे चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए तो पिस्टल के पास एबिलिटी होती है पोलन को रिकॉग्नाइज करने की चाहे वो गलत तरीके का है मतलब कॉम्पैटिबल है प्लांट के या फिर वो रॉन्ग टाइप है मतलब वो इनकॉम्पैटिबल है प्लांट के लिए अगर वो राइट right टाइप का होता है तो पिस्टल पोलन को एक्सेप्ट करता है और पोस्ट पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन के बाद वाले जो इवेंट हैं उनको कंटिन्यू करवाता है ठीक है प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन जिसके बाद क्या होगा फ़र्टिलाइजेशन हो जाएगा अगर पोलन गलत टाइप का है तो पिस्टल उसको रिजेक्ट कर देता है पोलन को क्या नहीं पोलन जर्मिनेशन नहीं होने देता स्टिग्मा के ऊपर मतलब पोलन ट्यूब नहीं बनती और पोलन ट्यूब नहीं बनी तो गैमिन ट्रांसफर नहीं होंगे मतलब इन शॉर्ट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा द एबिलिटी ऑफ पिस्टल टू रिकॉगनाइज द पोलन फॉरोड बाईट्स अक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज़ द रिज़ल्ट ऑफ अ कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रीन एंड पिस्टल ये जो एबिलिटी होती है पिस्टल की कि जो वो रिकॉग्नाइज कर सकता है कि कौन सा सही टाइप का पॉलन है कौन सा गलत टाइप का पॉलन है ये जो होता है ना बेटा ये किस चीज़ का रिजल्ट है ये कंटिन्यूस डायलॉग पोलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में कुछ केमिकल का इंट्रेक्शन होता होगा जिसकी वजह से पिस्टल को ये पता चल जाता है कि हाँ भाई ये वाला पॉलन मुझे चाहिए और ये वाला मुझे नहीं चाहिए ठीक है ये जो डायलॉग होता है ये किससे मीडिएटेड होता है बाय केमिकल कंपोनेंट अब भाई अब ऐसा तो है नहीं पोलन के खुद बोल के बता देगा कि भाई मेरे को अंदर ले लो या मेरे को बाहर छोड़ दो ऐसा तो है नहीं ऑब्वियसली कोई ना कोई केमिकल ही प्रेजेंट होगा तो ये जो डायलॉग होता है वो मेडिटेट किसके थ्रू होता है केमिकल कंपोनेंट्स के थ्रू ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल पोलन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल होगा जिसकी वजह से पिस्टल को ही पता चल जाए कि भाई ये वाला पोलन राइट टाइप का है इट इज़ ओनली इन रिसेंट ईयर दैट बॉटनिस्ट हैव एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पोलन एंड पिस्टल कॉम्पोनेंट एंड द इंटरेक्शन लीडिंग टू रिकोगोगनेशन फॉलोड बाई असेप्टेंस और रिजेक्शन ये कुछ रिसेंट uh, ईयर्स में ही हुआ है कि बायोलॉजिस्ट को नहीं सॉरी बॉटनिस्ट को ये पता चला है कि भाई पोलन पिस्टल इंटरेक्शन करके कोई चीज़ होती है और पिस्टल बाद में असैप्टेंस और रिजेक्ट और रिजेक्शन भी शो करता है तो ये चीज़ें उनको हाल ही में पता चली हैं ठीक है थेके? हाँ क्या था एज मैंशन अर्लियर फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन कॉम्पैटिबल वाले से पॉलिनीशन करवा देगा तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा स्टिग्मा के ऊपर और बेटा क्या बनाएगा पोलन ट्यूब बनाएगा पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जमपुर रिमेंबर व्हाट इज़ जमपुर जमपुर ऐसी जगह थी जहां पर एग्जाइन लेयर प्रेजेंट नहीं थी ओके आई होप यू रिमेंबर इट तो थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर पोलन ट्यूब क्या करेगी जर्म पोर में से एंटर करेगी बहुत सारे जर्म पोर होते हैं सभी में से एंटर ना करके किसी एक में से पोलन ट्यूब एंटर करेगी द कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन मूव इन टू द पोलन ट्यूब फिर पोलन ग्रेन के अंदर जो कंटेंट था वो सारा किस में ट्रांसफर हो जाएगा पोलन ट्यूब में ट्रांसफर हो जाएगा पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रिचेज द ओवरी पोलन ट्यूब ग्रो करेगी किससे जो स्टिग्मा के और स्टाइल के टिश्यूज़ होते हैं उनकी हेल्प से पोल ट्यूब ग्रो करेगी और कहाँ तक पहुँचेगी बेटा ओवरी तक पहुँचेगी यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट पोलग्रीन आर शेडेड टू सेल्ड कंडीशन हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रीन है वो शेड हो जाते हैं किस कंडीशन में टू सेल्ड एक वेजिटेटिव सेल थी और एक जनरेटिव सेल थी ऐसे प्लांट के अंदर इन सच प्लांट जनरेटिव सेल मैंने बताया था कि बाद में जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी माइटोसिस से और दो मेल गेमिट बनाएगी टू मेल गेमिट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब स्टिग्मा के ऊपर जब पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही होगी उस टाइम पे बच्चा जनरेटिव सेल क्या करेगी माइटोसिस करेगी एंड दैट विल फॉर्म टू मेल गेमिट स्किन प्लांट्स के अंदर जहाँ पर पोलन ग्रीन टू सेल्ड कंडीशन में शेड हो जाते हैं ठीक है और जहाँ पर पोलन ग्रीन ही थ्री सेल्ड कंडीशन में शेड हुए हैं पोलन ट्यूब ऑलरेडी कैरी करती है दो मेल गेमिट शुरू से उसके पास जनरेटिव सेल ने पहले ही दो मेल गैमिट बना लिए तो पॉलन ट्यूब के पास बिगनिंग से ही दो मेल गैमिट्स थे ठीक है पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड देन एंटर वन ऑफ द सिनर्जर थ्रू द फिलीफॉम अप्रैटिस याद करो मैंने बताया था फिलीफाम अप्रैटिस का यही काम होता है कि वो पॉलन ट्यूब को डायरेक्ट करता है कि भाई इधर जाना है इधर जाना है ठीक है तो पॉलन ट्यूब जब ओवरी के पास पहुंच जाएगी उसके बाद वो ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी, करेगी कहाँ से माइक्रोपाइल वॉट इज माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल एक ऐसा ओपनिंग था जहाँ पर इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं थी अब सोचो ना तुम लोग यहाँ पर अगर इंटेग्यूमेंट पूरा का पूरा बंद है तो ट्यूब को जगह ही के के लिए, ठीक है? So, uh, so बच्चा माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल तो के अंदर से पॉलन ट्यूब एंटर करेगी कहाँ से थ्रू वेट, वेट, वेट। वो एंटर करेगीफॉर्म अपराटस के ऊपर जो थिकनिंग थी दैट आर एज फिलीफॉम अपराटस और फिर फिलीफॉर्म अपराइट उसको गाइड करेगा कि भाई आपको इधर जाना है Many recent studies have shown that filiform apparatus presented at the micropylar part of the synergid guide the entry of tube बहुत सारी हाला मतलब हालांकि वाली मतलब हाल ही के स्टडीज़ ने ये प्रूफ करा है कि जो फिलिफॉर्म अपरेटस जो माइक्रोपाइलर पार्ट की तरफ प्रेजेंट होता है वो गाइड करता है पोलन ट्यूब को उसकी एंट्री को क्या आपको इधर जाना है ऑल दीज इवेंट सारे के सारे इवेंट्स फ्रॉम कहाँ से लेके कहाँ तक पोलन के डिपोजिशन के से लेके स्टिग्मा के ऊपर पोलन के डिपोजिशन से लेके जब तक पोलन ट्यूब एंटर नहीं कर जाती है ओव्यूल में इन सब को एक साथ मिला के कहा जाता है बच्चा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन ठीक है दिस इज़ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहाँ से लेके कहाँ तक स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही पोलन आया उसके बाद जब तक पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर नहीं कर जाती तब तक का सारा सिस्टम जो है वो सारा है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जैसे कि हमने पहले देख लिया पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एक डायनामिक प्रोसेस है ठीक है इन्वॉल्विंग पोलन रिकोगनीशन फॉलोड बाई प्रमोशन और इन्हबिशन ऑफ पोलन देखो ये लाइन याद रखनी है कि पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन एक डायनामिक प्रोसेस है मतलब स्टेटिक नहीं है मतलब लगातार चलने वाला प्रोसेस है ठीक है जिसके अंदर पोलन को रिकोगनाइज भी करना होता है कि भाई सही है गलत है उसके बाद उसको प्रमोट या फिर इनिबिट भी करना होता है अगर सही है तो प्रमोशन दे दो गलत है तो इन्हीबिट कर दो उसके बाद पोलिन ग्रेन को हमने प्रमोशन और इनिबिशन दे दिया द नॉलेज गेंड इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग वेट पोलन पिस्टल इंट्रेक्शन इवन इन इनकॉम्पैटिबल पॉलीनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड ये जो चीज़ है मतलब पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन के बारे में अगर किसी को नॉलेज होना तो उसके बाद इनकॉम्पैटिबल पॉलीनेशन भी हम लोग करवा सकते हैं हमारे मनपसंद का हाइब्रिड को चूज़ करने के लिए अगर हमको अपनी मनपसंद का हाइब्रिड बनाना है और प्लांट उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग इनकॉम्पैटिबल पोलन भी उससे क्या करवा सकते हैं मैनिपुलेट करवा के प्लांट को पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन को मैनिपुलेट करके हम लोग अपना इनकॉम्पैटिबल पोलन भी उसको एक्सेप्ट करवा सकते हैं और फिर हमारा जो डिज़ायर्ड हाइब्रिड है वो हम लोगों को मिल जाएगा ठीक है यू कैन ईजिली स्टडी हम लोग ईजिली पढ़ सकते हैं पोलन जर्मिनेशन बाई पोलन जर्मिनेशन बाई सम पोलन ग्रीन फ्रॉम फ्लावर्स पी चिकपी करोटोलि बालसम वनका कुछ इन सब के पोलन ग्रीन तुम लोग ग्लास फ्लाइट के ऊपर ले लो उसके अंदर दस परसेंट शुगर सॉल्यूशन की ड्रॉप डाल दो पंद्रह से तीस मिनट के बाद तुम लोगों को ऑब्जर्व होगा कि पोलन ट्यूब निकलना शुरू हो गई हैं कहाँ से बचा पॉलीनी पोलन ग्रीन से ठीक है अब ब्रीडर इज़ इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग ऑफ डिफरेंट स्पीशीज अब जो एक प्लांट वाले एरिया में काम करने वाला आदमी है तो उसको तो ऑब्वियस सी बात है उनको काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा इधर उधर की चीज़ों में सो so, एक ब्रीडर को इंटरेस्ट रहता है कि वो अलग अलग स्पीशीज को क्रॉस करवा के एक नया हाइब्रिड प्रोड्यूस करें ठीक है एंड ऑफन एन इवन सिर्फ अलग अलग स्पीशीज़ ही नहीं कई कई बार तो अलग अलग जीनस को भी हम लोग क्रॉस करवा देते हैं ठीक है क्या बनाने के लिए बस अपना डिज़ायरेबल कैरेक्टर उस प्लांट के अंदर लाने के लिए और उसको कमर्शियली उसको सुपीरियर बनाने के लिए कि भाई ज़्यादातर लोग फिर उसी को यूज़ करें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इसी चिड़िया का नाम है इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम बेटा क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का जो मेजर अप्रोच है इन चीज़ों को अचीव करने के लिए दैट इज़ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ऐसे क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर ये इम्पोर्टेंट होता है कि टू मेक श्योर दट द ओनली डिज़ायर्ड पॉलिन्रीन आर यूज फॉर पॉलीनेशन हम लोगों को अगर कोई वेराइटी सुपीरियर बनानी है तो हम लोगों को पोलन जो होंगे वो बहुत ध्यान से उसके ऊपर शेड करवाने पड़ेंगे कि अनवॉन्टेड पोलन उसके ऊपर ना आए ठीक है तो हम लोगों के लिए जो डिज़ायर्ड पोल ग्रीन है वही उस स्टिग्मा के ऊपर जाने चाहिए ऐसे क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग मेक श्योर करें कि हमारा जो डिज़ायर्ड पोलन ग्रीन है वही पोलिनेशन के लिए यूज़ हुआ है और स्टिग्मा को प्रोटेक्ट रखें हम कॉन्टेमिनेशन से कॉन्टेमिनेशन क्या स्टिग्मा को हम प्रोटेक्ट रखें अनवॉन्टेड पोलन से दिस इज़ अचीव्ड बाय अब ये किससे अचीव होगा इमेस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक से ये दो टेक्निक होती हैं सबसे पहले अगर कोई फ़ीमेल प्लांट है उसके ऊपर फ्लावर आ रि, बाईसेक्शल फ्लॉर रिमेम्बर बाईसेक्शुअल सेम प्लांट पे होता है बाई सेक्शल होता है और क्या कहते हैं मोनोशियस कहते हैं अगर वो सेम है मतलब फीमेल भी उसी पे है मेल भी उसी पे है ठीक है तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं एंथर को रिमूव करवा देते हैं फ्लोरल बर्ड से रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बर्ड बिफ़ोर द एंथर डिहाइज़ यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉरसेप्ट इज नेसेसरी अगर कोई फीमेल प्लांट है जो बाई फ्लावर को प्रोड्यूस कर रहा है तो ऐसे फ्लावर्स के अंदर बच्चा हम लोगों को एंथर का रिमूव करना एंथर को हम लोग फ्लावर बर्ड स्टेज से ही जिससे पहले एंथर डिहाइज हो उससे पहले हम लोग उसको हटा देते हैं एक फोरसेप्स की मदद से तो इस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं इमेस्क्यूलेशन इमेस्क्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी जब प्लांट यूनिसेक्शुअल फ्लावर प्रोड्यूस करें तो दस स्टेप को क्या कहते हैं इमेस्कुलेशन इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ़ सूटेबल साइज अब जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है उसको एक सूटेबल साइज़ के बैग से हम लोगों को कवर करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसको कॉन्टामिनेशन से बचाना है बचा जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर जनरली वो जो बैग होता है वो बटर पेपर का बचाव बना होता है टू प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन ऑफ इट स्टिग्मा विद अन वॉन्टेड पॉलन ताकि जो स्टिग्मा है उसके ऊपर कोई अनवांटेड पोलन कोई बाहर का पोलन ग्रेन उसके ऊपर आके ना गिरे ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं बैगिंग बैग लगा दें ना तुम लोगों ने एक उसको प्रोटेक्ट कर दिया दैट इज़ नॉन एज बैगिंग वैन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लार अटेन्स रिसेप्टिविटी जैसे ही स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा वो चिपचिपा सा होगा पोलन ग्रेन हम लोग एंथर से जो मेल पेरेंट हैं मेल पेरेंट से हम लोग एंथर कलेक्ट करेंगे उनको कलेक्ट करके हम लोग मेच्योर पोलन ग्रेन्स को हम लोग एक मेच्योर स्टिग्मा के ऊपर डाल देंगे आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा स्टिकमा के ऊपर डाल दिया फिर फ्लावर्स को फिर से रीबैक कर देते हैं एंड द फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप और फिर फ्रूट्स को अलाउ करते हैं कि वो डेवलप हो जाएं इस तरीके से दो प्रोसेस होता है बच्चा इमेस्कुलेशन और बैकिंग देन आता है अगर फीमेल पेरेंट अलग अलग फ्लार ही मतलब यूनिसेक्शल फ्लार ही प्रोड्यूस कर रहा है तो हमको इमेस्कुलेशन की क्या ज़रूरत है हम क्यों हटाएँ एंथर जब है ही नहीं एंथर उस प्लांट के ऊपर तो बेटा इमेस्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन बैगिंग की जरूरत तब भी है ठीक है द फीमेल फ्लार बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लार ओपन फ्लावर खुले उससे पहले ही हम उसको बैग कर देते हैं वेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव फिर जैसे ही स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा पॉलिनेशन हो जाएगा डिज़ायर्ड पॉलेंसी और फ्लावर को फिर से रीबैक कर दिया जाएगा आई होप तुम लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा सो so, आगे हम लोग पढ़ते हैं बच्चा डबल फर्टिलाइजेशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। लेट्स डू सम चेंज। ब्लू नहीं लेते आज वाइट पे तो वाइट क्या ही चलेगा रेड हमने ले ही लिया था आज ये वाला कलर लेते कौन सा है ऑरेंज चल जा अब ओके डबल फर्टिलाइजेशन नाइस तो हम अब पढ़ेंगे बेटा डबल फर्टिलाइजेशन जैसे ही आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड एक सिनर्जिड में आने के बाद जो पोलन ट्यूब होगी वो क्या रिलीज़ करेगी बेटा बेटा पोलन ट्यूब के पास क्या थे दो मेल गैमिट्स थे तो वो क्या रिलीज़ करेगी दो मेल गैमिट रिलीज करेगी ना और रिलीज़ कहाँ करा साइटो ऑफ सिनर्जिड ये लाइन भूलनी नहीं है कभी तुम भूल जाओ ठीक है सिनरजिट्स में वन ऑफ द सिर्जिट में एंट्र करने के बाद पॉलन ट्यूब के पास थे बेटा दो मेल गैमिट उसने दोनों के दोनों मेल गैमिट कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए सिनरजिट्स के साइटोप्लाज्म में भेज दिए वन ऑफ द मेल गैमिट मूव टुवर्ड्स द एक्सेल अब रिमेंबर करो ये तीन एंटीपोडल्स थी ये दो पॉलर न्यूक्लियाई थी ये दो सिनर्जिट्स थी ये एक एक्सेल थी ये आ, ये वाली एक्सेल थी ना हमारी ये वाली दिस वन वॉज अवर एक्सेल दिस वॉज सेंट्रल सेल ठीक है तो अब देखो एक मेल गैमिट तो ऑब्वियसली फीमेल गैमेट के पास जाएगा जो कि क्या है एक्सेल है ठीक है तो एक मेल गैमिट उसमें से मूव करेगा एक्सेल के पास और फ्यूज हो जाएगा उसके न्यूक्लियस से और क्या कंप्लीट करेगा सिन्गैमी सिंगेमी इज वॉट फर्टिलाइजेशन और बेटा हर चीज को तुम लोग सिनगैमी नहीं कह सकते अब आगे जो है आगे एक और मेल गेमिट वो होगा फ्यूज होगा बट दैट्स नॉट सिंगेमी सिंगेमी क्या होता है सिर्फ मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूज़न इज नॉन एज सिगेमी और फर्टिलाइजेशन ठीक है तो एक मेल गैमिट ने किसके साथ फ्यूज़न करा एग सेल के साथ क्या कम्प्लीट करा सिंगेमी कम्प्लीट करी अपनी जो दूसरा मेल गैमिट था अब उसका क्या होगा तेरा क्या होगा कालिया तेरा क्या होगा मेल गेमीट आगे देखो दिस रिजल्ट अब इससे क्या बना डिप्लोइड सेल बनी दैट इज जयगॉट तुम लोगों को पता है जयगॉट यूनिवर्सली डिप्लॉयड होता ही होता है अब एक दोनों के दोनों कैसे थे Haploid थे ना अब फ्यूज़ करके डिप्लॉयड बनाएंगे बेटा ये तो ऑब्वियस ही बात है तो जयगॉट बन गया द अदर मेल गैमिट अब दूसरा जो मेल गेमिट है वो पोलर न्यूक्लियाई के पास अब पोलर न्यूक्लियाई याद करो दो थी हमारे पास ठीक है दो पोलर न्यूक्लियाई थी पूरी की पूरी एक सेल थी ये वाला मेल गैमिट ऐसा है मान लेते हैं ये इसके साथ फ्यूज़ कर गया ये एन ये एन ये एन द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर विल बी बेटा दिस एंड दिस विल बी थ्री एन ठीक है तो पॉलर न्यूक्लियर जो कि सेंट्रल सेल के अंदर अरेंज है उसके साथ फ्यूज होगा और क्या बनाएगा प्रोड्यूस करेगा ट्रिप्लॉयड मतलब थ्री एन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इसको हम कहेंगे पी ई एन पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ थ्री हेप्लॉयड न्यूक्लियाई इट इज टर्मड एज ट्रिपल फ्यूजन इसके अंदर कितनी न्यूक्लियाई को पार्ट लेना पड़ा एक मेल गमिट वाला न्यूक्लियस और दो ये हो गए ठीक है तो कितनी न्यूक्लियाई तीन तो दैट्स वाई तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है इसी वजह से हमने इसको कहा है ट्रिपल फ्यूजन तो अब हमारे पास दो टाइप के फ्यूज़न हुए एक तो ट्रिपल फ्यूजन हुआ है और एक फर्टिलाइजेशन हुआ है सिनगैमी एंड द ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस एम्ब्रियोसेट के अंदर दो टाइप के फ्यूज़न हुए सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न तो इस फिनिना को हम लोगों ने कहा है बेटा डबल फर्टिलाइजेशन दिस फिना इज़ नॉन एज डबल फर्टिलाइजेशन माना कि दो बार एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है बट जस्ट फ्यूजन हुआ है फर्टिलाइजेशन प्रॉपर वे में तो एक ही बार हुआ है दूसरा वाला बस दो पॉलर न्यूक्लियाई थी एक मेल गमिट के साथ भिड़ गए तो क्या बना दिया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तो दिस इस पूरे इवेंट को क्या कहा है बच्चा डबल फर्टिलाइजेशन कहा है ये इवेंट जो होता है वो यूनिक होता है फ्लावरिंग प्लांट मतलब एनजीओ के अंदर द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन जैसे ही ट्रिपल फ्यूजन हुआ तो जो सेंट्रल सेल थी वो क्या बन गई प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना उसके बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना उसके बाद वो डेवलप करेगा एंडोस्पर्म के अंदर और जो जाएगा डेवलप करेगा बच्चा एम्ब्रियो के अंदर ठीक है हम लोग एम्ब्रियो का स्टेज देख लेते हैं देखो सबसे पहले ये फर्टिलाइज एम्ब्रियो सेक है जो सैनर्ज्स uh, हैं वो डिजनरेट होना शुरू हो गई यहाँ पे जयकॉट दिखा दिया प्राइमरी एंडोस्पोम सेल दिखा दिया प्राइमरी एंडोस्पोम न्यूक्लियस दिखा दिया और ये एंटीपॉडल क्या हो गया डिजनरेट हो जाएगी देन बेटा जायकोट बना ठीक है जयकॉट के बाद ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनी ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद हर्ट शेप्ड एम्ब्रियो ऊपर की सेल सस्पेंसर सेल्स उसके बाद क्या हो गया मैच्योर एम्ब्रियो बना ठीक है आगे आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन अब हमने प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या हुआ हमने फर्टिलाइजेशन भी पढ़ लिया अब हम लोग पढ़ेंगे फ़र्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फ़र्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या स्ट्रक्चर बने और क्या क्या इवेंट्स हुए सबसे पहले फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ एंड एंडोस्पम एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट मैचुरेशन ऑफ ऑव्यूल इंटू सीड एंड ओवर इंटू फ्रूट आर कलेक्टिवली टर्मडस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखो एंडोस्पम और एम्ब्रियो का डेवलप होना ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हुआ ओव्यूल का मैच्योर हो जाना सीड के अंदर ये भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन है और ओवरी का मैच्योर हो जाना बेटा फ्रूट के अंदर दैट इज़ ऑल्सो एन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट तो इन तीनों को इन तीनों चारों को हम लोग मिला के क्या कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहा जाता है सबसे पहले क्या है एंडोस्पम वॉट इज एंडोस्पम एंडोस्पाम डेवलपमेंट प्रिसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट आई एम सेंग यू कि ये लाइन भी तुम लोगों को नहीं भूलनी है ठीक तो है तुम लोग वेरियस कोचिंग के पेपर सॉल्व करके देखना तो तुमको ये एक सवाल तो ज़रूर मिलेगा आई एम टेलिंग यू मैंने भी सॉल्व करा था पिछली बार हमारे आकाश के इंटेंसिव में जब आया था तो ये मतलब देखने में लगता है कि हाँ भाई ईजी तो है बट एट द टाइम ऑफ अटैम्प्टिंग द क्वेश्चन वी फॉर हम भूल जाते हैं कि हम लोग क्या पढ़ के आए थे क्या पढ़ रहे हैं क्या पूछा है सवाल में हम बस रैंडमली टिक करते जाते पेपर के स्ट्रेस की वजह से तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों को गलत हुआ था उस टाइम पे देखो एम एंडोस्पाम डेवलपमेंट प्रिसड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट इसका मतलब ये है कि एम्ब्रियो के डेवलप होने से पहले ही एंडोस्पाम डेवलप हो जाएगा मतलब पहले कौन डेवलप होगा एंडोस्पॉम क्यों क्योंकि एंडोस्पाम को नरिश करना है किसको को एम्ब्रियो को नरिश करना है ठीक है पूछा है वाई क्यों होगा ऐसा द प्राइमरी एंडोस्पाम सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड वेट जो प्राइमरी एंडोस्पाम सेल है वो रिपीट रिपीटेडली डिवाइड करेगी और क्या बनाएगी ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएगी इस टिश्यू के जो सेल्स होती हैं उसके अंदर क्या भरा होता है रिजर्व फूड मटेरियल भरा होता है एंड आर द यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो और वो जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो किसके न्यूट्रिशन में काम आएगा डेवलपिंग एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन में काम आएगा इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पॉम डेवलपमेंट द पी ई एन अंडर गो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियर बहुत कॉमन टाइप अब ऐसा नहीं एंडोस्पॉम डेवलपमेंट बहुत एक टाइप की होती है बहुत अलग अलग टाइप की होती है वेरी करती है बट हम लोगों के एन में नहीं है तो हम लोग सिर्फ एक पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉमनली जो एंडोस्पॉम डेवलपमेंट होती है ना उसके अंदर पी ई एन सक्सेसिव डिवाइड करती है सक्सेसिवली न्यूक्लियर डिविजन्स परफॉर्म करती है और क्या बनाती है फ्री न्यूक्लियाई बनाती है गिवराइज टू फ्री न्यूक्लियाई दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पॉम डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पम अब एंडोस्पॉम डेवलपमेंट के जो ये पर्टिकुलर स्टेज है जहाँ पर फ्री न्यूक्लियाई बहुत बन रही हैं दैट पर्टिकुलर स्टेज बच्चा इज नॉन एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पॉम दैट इज़ नॉन एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पम सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अक्कर उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होती है एंड एंडोस्पॉम बिकम और फिर एंडोस्पॉम कैसे हो जाता है सेलुलर हो जाता है देखो याद करो हम लोगों ने सेम टाइप पढ़ा था कहाँ पर एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट में पहले सेल फ्रीलिंग फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था सेल वॉल तुरंत नहीं बन रही थी है ना इसीलिए तो बाद में पॉलो न्यूक्लियर के ऊपर एक कॉमन सेल वॉल आई अदरवाइज तो एट न्यूक्लियटेड एट सेल जाता वो है ना तो सेम काम यहाँ पर है पहले फ्री न्यूक्लियर एंडोसपम्प बना उसके बाद सेल वॉल बनी तो एंडोसपम्प कैसा हो गया सेलुलर हो गया द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली सेलुलराइजेशन से पहले जो फ्री न्यूक्लियाई का नंबर बना है वो बहुत तरीके से वेरी करता है द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दट यू आर फेमिलियर विद इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पम दैट इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड द सराउंडिंग व्हाइट कॉर्नल इज द सेल्यूलर एंडोस्पम देखो नारियल के अंदर दो चीज़ें होती तो नारियल का पानी ठीक है और नारियल के अंदर वो चुटकी आती है वाइट वाइट कलर की नवरात्रि में छोटे बच्चों को देते हैं है ना तो वो टेस्टी लगती है खाने में ठीक है तो ये दो चीज़ें होती हैं तो ये दोनों चीज़ें ना सेम कंटेंट नहीं है ये दोनों चीज़ें हैं एंडोस्पाम बट अलग अलग है देखो जो पानी होता है ना कोकोनट का वाटर तो कोकोनट का पानी जो होता है दैट इज़ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पाम होता है जिसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियाई होती है मल्टी न्यूक्लियटेड होता है ये और जो चुटकी होती है वो वाइट वाइट कलर का जो होता है दैट वाइट पार्ट इज़ वो वाइट कर्नल उसको कहते हैं दैट इज सेलुलर एंडोस्पम्प ठीक है याद रहेगी ये बात ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी तुम लोगों को याद रखना है कि जो वाइट कर्नल पार्ट होता है कोकोनट का दैट इज सेलुलर एंडोस्पम एंड द वॉटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पम्प आई होप तुम लोगों को याद होगा देखो पहला डायग्राम किसका दिया टिपिकल डायको एम्ब्रियो का ये तो आगे आएगा बेटा तो बेटा आगे पढ़ेंगे हम देखो अब आता है एंडोस्पम की दो चीज़ें कि भाई एम्ब्रियो क्या तो एंडोसपम को पूरा का पूरा खा लें या फिर उसको थोड़ा बहुत छोड़ दें ठीक है तो एंडोस्पम्प में आए तो भी कम्प्लीटली कंज्यूम्ब बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या तो जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उससे वो मतलब जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है सॉरी 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 जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो एंडोस्पम को पूरा का पूरा ख़त्म कर दें कम्प्लीटली कंज्यूम कर ले जैसे कि पी ग्राउंडनट और बीन्स में होता है बिफोर सीड मैच्योरेशन सीड मैचोरेशन से पहले और इट मे परजर्स इन द सीड मैच्योर और क्या पता कि वो पूरा ना खा के थोड़ा बहुत छोड़ दे और जो मैच्योर सीड होगा उसके अंदर एंडोस्पम बच जाए दैट इज़ इन केस ऑफ कैस्टर एंड कोकोनट कोकोनट में तो बेटा हम खाते ही एंडोस्पम है तो हम लोग ये नहीं कह सकते कोकोनट के अंदर कि भाई एम्ब्रियो ने पूरा का पूरा खा लिया वरना तो फिर तुम क्या खाते तुम फिर एम्ब्रियो खाते ना तुम कहाँ एंडोस्पम खा पाते ठीक है तो कैस्टर और कोकोनट के अंदर मैच्योर सीड के अंदर थोड़ा बहुत एं, एंडोस्पम बच जाता है पे बीन ग्राउंडनट और ये फैबेसी फैमिली के अंदर अगर हम देखें तो आ, पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है एंडोस्पम्प एंड बी यूज ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन और फिर जो बचा है ना वो एंडोस्पम बचा है उसको हम सीड जर्मिनेशन के टाइम पे यूज़ कर लेते हैं ओके ये हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया ठीक है इतना हो गया अब आगे हम पढ़ते हैं एम्ब्रियो एम्ब्रियो पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे सीड सीड भी पढ़ लेंगे आज अरे यार क्या गलत काम होता रहता है मेरे हाथों से सॉरी आई वॉज जस्ट लुकिंग एट दैट वेट खुल गया खुल गया खुल गया बड्डा वड्डा इतना भी नहीं बड़ा होना था भाई ओके पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन हम लोग खत्म करके आ गए हैं आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा होगा मैं ज़्यादा बोर नहीं कर रही होंगी और तुम लोग एनजीआर टी याद भी हो रही होगी धीरे धीरे एंडोसपॉम हम लोगों ने पढ़ लिया तो अभी एम्ब्रियो हम शुरू करते हैं बार देख लेती हूँ कितना है आगे कि सीड शुरू करूँ कि नहीं करूँ पता चले सीड हो भी ना यार सीड बड़ा है टॉपिक सीड और एपोमिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे तो जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं एम्ब्रियो कर लेते हैं फिर आज अब शुरू कर देते हैं तो फिर ख़त्म नहीं होगा फिर शुरू करने का मन नहीं करता यार कोई टॉपिक फिर तुम लोगों को दिक्कत होगी तो इससे अच्छा तुम लोग टॉपिक वाइज पढ़ो तो हम लोग अभी एम्ब्रियो शुरू कर देते हैं ठीक है एम्ब्रियो क्या होता है बेटा एम्ब्रियो डेवलप करता है कहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड पे ये तो तुम लोगों को पता ही होगा क्योंकि माइक्रोपाइल पे ही कौन आया था पॉलन ट्यूब आया था माइक्रोपायल के ऊपर ही कौन है एग्सेल है माइक्रोपायल के ऊपर ही कौन बना था जैगॉट बना था तो ऑब्वियसली बात है माइक्रोपाइल पे ही क्या बनेगा एम्ब्रियो होगा ऑफ द एम्ब्रियो एम्ब्रियो एम्ब्रियोसेक के माइक्रोपाइलर एंड पे एम्ब्रियो डेवलप होता है जहां पे जैगॉट सिचुएटेड होता है ये तो अभी बता दिया मैंने मोस्ट जाइगॉट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ एंडोस्पॉम इज फॉर्म्ड जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पॉम जितना उसको खाने के लिए जरूरत है उतना अगर एंडोस्पम बन जाता है तभी जयगॉड डिवाइड करना शुरू करेगा जयगॉर्ड तभी डिवाइड करना शुरू करेगा जब उसके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एंडोस्पम बना हुआ प्रेजेंट होगा दिस इज़ एन अडेप्टन टू प्रोवाइड अश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो अब मान लो जैगॉड डिवाइड करना शुरू कर दे एंडोस्पम की डेवलपमेंट नहीं हुई एंडोस्पम ने खाना बनाया ही नहीं उसके पास कुछ खाना पीना नहीं है तो एम्ब्रियो तो मर जाएगा बेटा तो ये एक अडेप्टन है ये एक ज़रूरत है उस डेवलपिंग एम्ब्रियो की कि हम लोग उसको अश्योर करें कि भाई हाँ तो डेवलप हो तेरे को खाना पीना आराम से मिलेगा ही मिलेगा चाहे जो हो जाए ठीक है जैसे कि तुम लोग पढ़ो तुम लोगों को सिलेक्शन मिलेगा चाहे जो हो जाए ओके तो दिस इज एन एडेप्टेशन कि जायगोट तभी डिवाइड करेगा जब एक अमाउंट ऑफ एंडोस्पम बन जाएगा ये एक श्योरिटी देता है एम्ब्रियो को कि तू तो डेवलप हो तेरे को खाना पीना मिल जाएगा ताकि एम्ब्रियो को अशॉर्ट न्यूट्रिशन मिल सके

एम्ब्रो जैनी दिखाया है डायकॉट एम्ब्रियो को ऊपर देखेंगे द जाइकॉट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो पीछे पढ़ के आए थे अभी पहले प्रो एम्ब्रियो बना था देन ग्लोबुलर देन हॉर्ट शेप्ड एम्ब्रियो एंड देन एन देन ए मेच्योर एम्ब्रियो बना था अब आता है एक टिपिकल जो डाइकॉट एम्ब्रियो होता है उसके पास होता क्या क्या है टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो के अंदर होता है एम्ब्रियनल एक्सेज होती हैं दो कॉटेलिडन्स होते हैं तभी उसको डाइकोट बोलता है डाइकोट बोलते हैं सॉरी डॉट <laughs> यार बड़ी स्टूपिड हरकतें कर रही हूँ मैं डाई कॉटलीडेंस मतलब डाई मतलब दो कॉटलीडेंस मतलब कॉटलीडेंस तो दो कॉटलीडेंस होते हैं उसके पास इसलिए डाई मैंने <laughs> पूरे दो सालों में उसको कभी पूरे नाम से नहीं बोला आई ऑलवेज यूज टू से डायकॉट डाईकॉट डाईकॉट मैं एक्चुअल नाम भूल गई मतलब इतना प्रोनन्सिएशन में दिक्कत आने लगे सॉरी सॉरी टाइम ख़राब नहीं करते द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द कॉटिलेडन जैसे कि मान लेते हैं ये कॉटिलेडन है डाइकॉट मान लेते हैं इस तरीके का ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल विच टर्मिनेट विद द प्लूम्यूल और द स्टेम टिप प्लूम्यूल बनेगा ऊपर प्लूम्यूल ऊपर क्या बनाएगा ऊपर क्या बनेगा ऊपर रूट्स बनेगी ऊपर स्टेम बनेगा बेटा ठीक है ऊपर रूट्स मत बनाया ना तुम पता चले मैडम जिस स्टेम बन रहा है हमारा और ऊपर रूट्स बन रहे हैं बाओ द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन कॉटिलिडन के नीचे क्या है नीचे क्या है हाई पोकोटाइल हाई पोकोटाइल किससे टर्मिनेट होगा लोअर एंड पे रेडिकल होगी रेडिकल नीचे क्या बनाएगा नीचे क्या बनेगी फ्लॉर नहीं नीचे रूट्स बनेंगे ठीक है मैं भी क्या छोटे बच्चों की तरफ पढ़ा रही हूँ तुमको द रूट टिप इज़ कवर्ड बाय और फिर रूट टिप को हम लोग ये मॉरफोम में आता है रूट टिप को हम लोग एक छोटी सी कैप बना के रखते हैं क्यूट क्यूट उसको दिखाने के लिए है ना तो उसके ऊपर रूट कैप लगी होती है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए अब हम एक डायग्राम देख लेते हैं अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो और एक एम्ब्रियो ऑफ ग्रास ये ऊपर है स्क्यूटेलम आगे आएगा क्या होता है कॉलियप दिया है ये भी सब चीज़ें आगे आएंगी अभी क्या पढ़े फिर अभी कुछ ना पढ़े ये ऊपर देखो ये प्लम्यूल है ये इधर दो कॉर्टलीडन दिखाए हैं ये इधर हाइपोकोटाइल ये नीचे रेडिकल हाइपोकोटाइल नीचे वाला पार्ट फिर नीचे रेडिकल बन गया रेडिकल आर आर से याद रखना रेडिकल रूट्स बनाएंगे रेडिकल रूट कैप ठीक है अब आता है एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकॉट पुजेस ओनली वन कॉर्टलीडन अब हम लोगों ने देख लिया इसीलिए तो उसको मोनोकॉर्टलीडेंस कहते हैं एक ही क्वार्टिडन होता है उसके पास ग्रास फैमिली के अंदर जो कॉटलीडन होता है उसको हम स्क्यूटैलम कहते हैं बेटा ये नीट में आया हुआ है और आई थिंक तुम कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो ये एक सवाल परमानेंट है पूरे साल में कभी ना कभी तो ये सवाल आएगा ही आएगा ग्रास फैमिली में जो कॉटिलिडन होता है दैट इज स्क्यूटेलम जो कैसा होता है एक साइड में सिचुएटेड होता है सिचुएटेड टू वन साइड लेटरली होता है ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरली एक साइड में ये प्रेजेंट होता है दैट इज स्क्यूटेलम एट इट लोअर एंड उसके लोअर एंड पे जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है उसके पास क्या ऑथरेडिकल होती है रूट कैप होती है रेडिकल एंड रूट कैप एनक्लोज एन एंड एक अनडिफ्रेंशिएटेड शीथ होती है जिसको हम कॉलियोराइजा कहते हैं देखो रेडिकल रूट कैप कॉल्योराइजा कॉलियोराइजा में भी डबल आर आ रहा है तो कॉलियो में पी आएगा तो वहाँ से प्लम्यूल से याद रखना कॉलियोराइजा में आर आ रहा है आर से रेडिकल रेडिकल से रूट रूट से रूट कैप आई थिंक ये चीज़ तुम लोगों को क्लियर होगी तो भूलना नहीं है कौन सी लेयर किसको कवर करती है रेडिकल को कवर करती है कौन एक अनडिफ्रेंशिएटेड शीथ जिसको हम कॉल्योराइजा कहते हैं द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबोव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज एपिकोटाइल स्क्यूटेलम के अटैचमेंट से जो जगह होती है जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो पोर्शन होता है उसके ऊपर कौन होता है एपिकोटाइल होता है एपिकोटाइल के पास शूट एपेक्स होता है और एक फ्यू लीफ प्राइमोडिया कुछ लीफ प्राइमोडिया होते हैं किसको एनक्लोज करते हैं एक होलो एक होलो फोलियर स्ट्रक्चर को एनक्लोज करके रखते हैं दैट इज द दॉलियपटाइल ठीक है तो यहाँ तक आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा हम लोगों ने इतना तो पढ़ लिया डायग्राम था वो एक बार फिर से देख लेते हैं और प्लूम्यूल को कवर कौन करता है बेटा कॉलियपटाइल कॉलियपटाइल कैसे ले रहा होलो फोलियर स्ट्रक्चर कॉलियोराइजा किसको कवर करती है रेडिकल को रूट कैप्स को कैसी शीत है अनडिफ्रेंशिएटेड शीत है ठीक है ये देखो ये यह यहाँ पे कॉलियपटाइल दिया है ये शूट एपेक्स को कवर करे हुए कॉलियपटाइल है ऊपर क्यूट एलम है सिंगल और सिंगल कॉटरिडन दैट इज क्यूट एलम रेडिकल नीचे रूट कैप एंड देन दिस होलो फोलियर स्ट्रक्चर नहीं वो कौन होती है कॉलियर होती है कॉलियराइजर इज अनडिफ्रेंशिएटेड शीत ठीक है तो ये हमने देख लिया एमरी ऑफ ग्रासज उसके बाद बचा बचाए हमारा छोटे छोटे से दो टॉपिक सीड और एपोमिक्सिस वाला टॉपिक तो ये हम लोग कल जल्दी से कवर कर लेंगे तो आई होप हम लोगों को समझ आ रहा होगा सारे लेक्चर देखने इसके चार या पाँच हो गए यार है ना वैसे बड़ा चैप्टर तो है बट ईजी लग रहा होगा तुम लोगों को बताओ कमेंट बॉक्स में तुम लोगों को कोई दिक्कत है तो अदरवाइज कंटिन्यू रखो अपनी पढ़ाई आराम से पढ़ो तुम लोगों का सिलेक्शन श्योर होगा इस बार ठीक है सो लेट मी गो बाय टाटा गॉड ब्लेस यू बिट ऑलवेज टाटा